नमस्कार दोस्तों दोस्तों गुजरात के मोरबी में रविवार शाम को एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना घट गई। दोस्तों बताया जा रहा है कि मच्छू नदी के ऊपर बने केबल ब्रिज के टूट जाने से एक बड़ी संख्या में लोग इस नदी में गिर जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 140 से ज़्यादा जाने इस दुर्घटना में जा चुकी है। जिस समय ब्रिज टूटा उस समय पर 400 से ज़्यादा लोग उस ब्रिज पर मौजूद थे। ये लोग अपनी छुट्टी को एंजॉय करने के लिए रविवार शाम को उस ब्रिज पर जा पहुंचे थे। दोस्तों इस घटना के अभी 24 घंटे भी ढंग से पूरे नहीं हुए थे कि देश की गोदी मीडिया ने अपना एक बार फिर से काम स्टार्ट कर दिया। दोस्तों जिस मीडिया को इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों की आवाज़ बनना चाहिए था, सरकार के मिनिस्टर्स और शामिल कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ में आवाज़ उठानी चाहिए थी, आज की गोदी मीडिया यहाँ पर सत्तावादी पार्टी को प्रोटेस्ट करने में लगी पड़ी है। और दोस्तों इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करेंगे इसी गोदी मीडिया के बारे में, जहाँ पर एक्सपोज करूँगा बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स को और इसी के साथ शामिल इसके बड़े बड़े न्यूज़ एंकर्स को। तो दोस्तों वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को याद से प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों कुछ ऐसी दुर्घटना सन 2016 में बंगाल में भी घटित हुई थी और उस दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी इस दुर्घटना को एक्ट ऑफ गॉड और एक्ट ऑफ फ्रॉड का नाम दे रहे थे। दोस्तों इस वीडियो पर एक बार आप भी नज़र डाल लीजिए। ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा है। दोस्तों आप नीचे कमेंट में बताइए कि मोरबी दुर्घटना जो हुई है वो भी क्या एक्ट ऑफ फ्रॉड है कि नहीं। दोस्तों अगर है तो यहाँ पर कोई भी न्यूज़ चैनल या फिर कोई भी किसी तरीके की आवाज़ क्यों नहीं उठ रही है इसके खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में। दोस्तों नीचे कमेंट में हमसे अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर यही सेम घटना किसी गैर बीजेपी शासन वाले राज्य में हुई होती तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितना बड़ा बवाल आपको देखने को मिलता, और ये बवाल भी यहाँ पर ये न्यूज़ चैनल्स वाले ही मचा रहे होते। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपकी क्या ओपिनियन नीचे कमेंट में बताइएगा। दोस्तों इस बार ये दुर्घटना गुजरात में हुई है और गुजरात के पिछले 20 सालों से ही यहाँ पर लगभग बीजेपी ही शासन करती आ रही है और इसीलिए सारे न्यूज़ चैनल जो है चुप हैं, लेकिन इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी कुछ हाव-भाव बदले ही नजर आ रहे हैं। पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है। अगर इस भाषण की बजाय प्रधानमंत्री जी उस हॉस्पिटल में जाकर उन पीड़ितों को एक बार देखा दे तो कितना सही रहता।
दोस्तों इस दुर्घटना में अभी तक 140 से ज़्यादा जाने जा चुकी है और आज की इस गोदी मीडिया ने दुर्घटना में जो 140 लोग मारे गए हैं गुजरात के अंदर, इसका कारण भी गुजरातियों को ही बता दिया है। दोस्तों एक बार ये रिपोर्ट देखिए जाने माने न्यूज़ एंकर की, जिन्होंने इस दुर्घटना के पीछे की मेन रीज़न को बताया, और मेन रीज़न भी आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये मेन रीज़न वही लोग हैं जो मारे जा चुके हैं। लोग मौजूद थे, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। कुछ लोगों को ये बात आज हमारी बुरी लग सकती है, आज का दिन तो नहीं है ये कहने का, लेकिन फिर भी कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए पहले आप ये वीडियो देखिए। इस हादसे से ठीक पहले बहुत भारी भीड़ इस ब्रिज पर मौजूद थी। कुछ लड़के पुल पर खेल रहे थे, इस पुल को लगातार हिला रहे थे और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वहां चलने की जगह नहीं बची थी। इस पुल पर एक समय में 100 से 125 लोग ही जा सकते हैं, लेकिन करीब 500 लोगों के पहुंचने के बाद भी लोग ब्रिज पर लगातार पहुंचने के लिए आतुर थे, किसी भी तरह इस ब्रिज पर जाना चाहते थे। और ये लोग कौन थे? वो नहीं जो जरूरतमंद हैं, वो नहीं जिन्हें नदी पार करनी है, ये वो लोग थे जो पुल पर सेल्फी ले रहे थे, अलग अलग अंदाज में, अलग अलग पोज बनाकर अलग अलग जगहों पर सेल्फी ले रहे थे, इस पुल पर कूद रहे थे। वहां सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात था जो इतने लोगों को रोकने में बुरी तरह से नाकाम रहा, और इसलिए कई लोग बिना टिकट के भी इस ब्रिज पर पहुंच गए। लुक एट दिस वीडियो, मोर देन 400 पीपल फर्स्ट वेयर ओनली इन नथिंग मोर देन 50-60 मैक्स 100 पीपल शुड हैव बीन देयर, बट मोर देन 400 पीपल। एंड लुक एट दिस मैन इन अ व्हाइट शर्ट, लुक एट दिस मैन इन दिस व्हाइट शर्ट, एंड आई रिपीट द व्हाइट शर्ट, ही विल होल्ड both the sides of the bridge and then he starts shaking it and then he starts shaking it. What is he doing? And just seconds after, everything is gone, the bridge falls down, an individual who is on the bridge, he himself falls down but is trying to shake the bridge. So you see the reality, you see this. My video journalist is just trying to show you from our newsroom. Just play this video slow-mo if we can. 400 people, they are just laughing, sitting around, but this individual in a white shirt and black trousers comes up, shakes, holds both sides of the bridge and just seconds after that, दोस्तों इस दुर्घटना के बाद अब यहाँ पर बीजेपी के विपक्ष में नेता जो है उठ खड़े हुए हैं, लेकिन दोस्तों इस न्यूज़ एंकर ने तो इसके ऊपर भी एक स्पेशल यहाँ पर डिबेट करने का एक एपिसोड निकाल दिया है। मोरबी के आपदा पर चुनावों का अवसर, चूंकि गुजरात में चुनाव है इसीलिए राजनीति भी हो रही है और जरूरी है कि जख्मों पर नमक छिड़कने वाली इस राजनीति के खिलाफ हल्ला बोल किया जाए। देखिए आज शाम 6 बजे मेरे साथ सिर्फ आज तक पर। बताइए आज क्या कंडीशन आ गई है कि स्पेशली बड़े बड़े न्यूज एंकर जो हैं एक स्पेशल नेता या फिर एक स्पेशल पार्टी को ही प्रोटेस्ट करने में लगे हुए हैं। अब जो चीज गलत है उसके खिलाफ आवाज भी ना उठाएं क्या? दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्री इंडेक्स में इंडिया 180 देशों में से 150वें नंबर पे है। आप सोच सकते हैं कि इंडियन मीडिया की कंडीशन फिलहाल कितनी ज़्यादा खराब हो गई है। दोस्तों इस मोरबी घटना के हो जाने के बाद भी कुछ न्यूज़ चैनल्स तो ऐसे थे जो कुछ इस तरीके की न्यूज़ पर डिबेट कर रहे थे। दोस्तों इस दुर्घटना में सही मायने में गलती किसकी थी, एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी थोड़ा थोड़ा समझ आ ही जाएगा। ऊपर ये पुल है, जब ये गिरा होगा, आपको बताते चले कल तो इस समय, चूंकि अभी 4:45 का वक्त हो रहा है तकरीबन, कल इस समय यहाँ पर चहल पहल रही होगी क्योंकि शाम को 6:30 ये भयानक हादसा होता है, कल यहाँ पर चहल पहल रही होगी। अगर उस समय ओरिवा जो ग्रुप है जिसको जिम्मेदारी दी गई है, अगर उसके लोगों की ओर से स्ट्रेंथ से ज्यादा लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहीं से चढ़ते हुए यहाँ पर टिकट लेने के बाद लोग इस हिस्से में आते हैं ऊपर की तरफ, जो हमने आपको दिखाया, जरा दिखाई सुजीत और जहां पर लिखा हुआ है ऊपर की तरफ, वहां पर लोग आते हैं और फिर एक एक करके बकायदा टिकट पैसे देकर लोगों ने इस पुल का रुख किया था। पैसे देने के बावजूद आपकी जिंदगी सुरक्षित नहीं है। और दोस्तों इसी के साथ आम जनता को भी सारी सच्चाई का पता है और उनमें गुस्सा भी है, लेकिन वो आवाज उठाएं भी तो उठाएं कैसे? वो टाइम तो समझ लो कम से कम 450 आदमी थे पुल पे और एक ही साथ ही गिर गया वो, और नया बनाया वही टूटा, जो पुराना था ना वही अच्छा था। ये मोरबी स्टेट ने बनाया है, 150 साल पुराना है ये पुल। उस टाइम ये इंडिया में नहीं टेक्नोलॉजी थी, गुजरात में तो किया, उसी टाइम ये सर वागजी स्टेट ऑफ मोरबी उसने बनाया था 1870 के आजू बाजू से, तो 150 साल पुराना
और ये बीजेपी वाले ये सरकार बोल रही है विकास किया तो ये पुल इतना जर्जरित हो गया था सब, तो ये गवर्नमेंट के पास इतना रुपया नहीं था तो प्राइवेट कंपनी को दिया, तो प्राइवेट कंपनी इतने लोगों की परमिशन नहीं थी, ये प्राइवेट कंपनी को दे दिया, वो प्राइवेट कंपनी ने ऐसा बनाया कि सारे लोग को जान घुमाई, वो 150 साल में नो नहीं थी, वो सर्टिफाइड नहीं कराया। दोस्तों आज की गोदी मीडिया कुल मिलाकर एक ही पार्टी की बढ़ोतरी के लिए काम कर रही है और कुल मिलाकर जनता को, आम जनता को डाइवर्ट करने का काम कर रही है। दोस्तों जब पिछली बार 2016 में बंगाल के अंदर कुछ ऐसी घटना घटी थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे पॉलिटिसाइज करके यहाँ पर वोट को अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया, लेकिन अब यही घटना गुजरात के अंदर हुई है तो माननीय राहुल गांधी जी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, इस चीज को उन्होंने पॉलिटिसाइज करने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने पीड़ितों के लिए दुख व्यक्त किया है। करने को तो वो भी इस चीज को पॉलिटिसाइज करके बीजेपी को क्रिटिसाइज करके यहां पर आम जनता को अपनी ओर और आकर्षित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं किया है। क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है, इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा है। आई डोंट वॉन्ट टू पोलिटिसाइज दिस इंसिडेंट, पीपल हैव डाइड हियर, इट इज डिसरिस्पेक्टफुल फॉर देम टू पोलिटिसाइज दिस इंसिडेंट, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। और वैसे भी दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा को लगभग अब 50 दिन से ज़्यादा हो चुका है और अगर इस यात्रा के दौरान हो रही भीड़ को, लोगों की भीड़ को एक बार देखेंगे तो एक बार तो आप भी हैरान हो ही जाएंगे। लेकिन है कोई न्यूज़ का या फिर गोदी मीडिया का चैनल जो कि भारत जोड़ो यात्रा को या फिर भारत जोड़ो यात्रा की भीड़ में गूंज रहे नाम राहुल गांधी को यहाँ पर थोड़ा भी कवर करता हो डेली? तो मोरबी घटना के बाद अब गुजरात पुलिस ने कुछ 9 लोगों को अरेस्ट तो किया है, लेकिन दोस्तों आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे इन 9 लोगों में शामिल कौन है। इन 9 लोगों में शामिल है ओरेवा कंपनी के कुछ मैनेजर्स और टिकट क्लर्क्स। दोस्तों कितनी हैरानी की बात है ना, जहां पर अरेस्ट होना चाहिए, कार्यवाही होनी चाहिए बड़े बड़े मिनिस्टर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर जो कि स्कैम में शामिल थे, अब यहां पर गुजरात पुलिस अरेस्ट भी तो किनको कर रही है। दोस्तों इस घटना के रिगार्डिंग आपकी क्या ओपिनियन है? दोस्तों इसमें सबसे बड़ी गलती आपकी नज़र में किसकी है नीचे कमेंट में बताइएगा और ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को याद से प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।